हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल घुमक्कड़ बॉय। तो गाइस, हम उठ चुके हैं, सुबह का 4:30 बज रहा है, 5:30 बजे तक हमको अपना पिकअप करना है। तो आज हम जा रहे हैं रामनगर, हम आपको दिखाते हैं वहां का व्यू। तो चलिए चलते हैं रामनगर। हाँ जी गाइस, तो हम आ चुके हैं रामनगर। रामनगर में हम एंटर हो लिए हैं और ये जो आप मेरे आगे जो जीप देख रहे हैं ना, जीप, ये जीप आपको जंगल की सफारी पे ले जाती है और आपको दिखाती है शेर, हिरन। ज़्यादातर हिरन ही गाइस आपको मिलेंगे और शेर तो आपको बाई लक अगर आपको मिल गया तो मिल गया, वरना शेर आता ही नहीं है। शेर आपको बाई लक मिलेगा, वरना आपको सिर्फ देखने को मिलेंगे हिरन और बस। और क्या होगा जंगल में। हाँ जी गाइस, तो आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये जा रहा है रिसोर्ट की तरफ और हम निकल पड़े हैं इस रोड पे। बड़ी रोड, बहुत टूटा हुआ रोड है, आप लोग आए तो ज़रा देख के आए। और बहुत पतला रोड है ये, जगह जगह इतना टूटा हुआ रोड है कि गाड़ी बहुत हल्के हल्के निकालनी पड़ रही है। तो गाइस, यहाँ पर जगह जगह मेंशन है कि जानवरों से सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पर शेर है, हिरन है, लेपर्ड है आपका, और पता नहीं जाने क्या क्या है। और ये टोटल आपका जंगल है, टोटल जंगल ये आपका सीधा जा रहा है लेकिन ढीकली। तो हम आ चुके हैं रामनगर के द टाइगर ग्रूव रिजॉर्ट में। ये देखिए, ये रामनगर से ये 8 किलोमीटर आगे आपका पड़ता है, मतलब अंदर को ये पड़ता है द टाइगर ग्रूव। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर। आइए गाइस, तो हम आ चुके हैं रामनगर के रिजॉर्ट में, मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ। आप भी आइए अभी अपनी फैमिली को लेके, तो रामनगर आप ज़रूर आइए, क्योंकि रामनगर में रिजॉर्ट आपको एक से एक अच्छा मिलेगा। और गाइस, इस रिजॉर्ट की जो रूम जो है वो इसमें 50 रूम है पूरे। किसी किसी रिजॉर्ट में 20 भी होते हैं, 15 भी होते हैं, बट इसमें हाई जो है इसका 50 रूम का है। देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है।
हाँ जी गाइस, तो हम रात हम रामनगर में ही रुके थे और हम उठ चुके हैं। रात बहुत ओस थी तो इसलिए खासी नज़ला हो गया यहाँ पर बहुत, क्योंकि हम लोग घूम रहे थे रात के 12 बजे तक। आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। ये देखिए गाइस, ये आपको पता है ये क्या है? ये है सिंदूर और ये है उसका पेड़। ये सिंदूर का पेड़ है, इसको रोहिणी बोलते हैं। अभी ये भैया आपको दिखाएंगे इसमें से निकाल के सिंदूर। अभी आप देखिएगा ये इनके उंगली पे आ जाएगा सारा। ये देखिए, ये सारा हटके ये उनकी उंगली पे और ये अंगूठे पे भी आ गया। इस पेड़ को भैया बोलते हैं रोहिणी, और रोहिणी के पेड़ पे ये ऐसा बीज आता है एक। इस बीज को जब आप हाथ में लेंगे तो इसके ऊपर से जो जो सिंदूर है वो आपकी उंगली पे आ जाएगा। ये देखिए उंगली पे भी आ गया और आपके अंगूठे पे भी आ गया उनके। देखिए